हेलो स्टूडेंट्स दिस इज नीलेश कुमार वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अटैक विद निलेश कुमार वंस अगेन आज हम रियल इंग्लिश क्लास सेवन चैप्टर सेवन डेविड बिगिंस अ न्यू लाइफ पार्ट टू पढ़ेंगे तो आइए शुरू करते हैं मिस्टर डिक एंड आई सुन बिकेम गुड फ्रेंड्स डेविड कहता है कि मिस्टर डिक और मैं जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए एंड ऑफन वेंट आउट टू फ्लाई हिज ह्यूज काइट और उनके पास एक बड़ी सी पतंग थी जिसको अक्सर हम दोनों साथ में मिलकर उड़ाते थे उसको उड़ाने के लिए हम बाहर जाते थे आई बिगैन गेटिंग क्लोजर टू आंट बैटसी टू और मैं आंट बैटसी के भी बहुत करीब होने लगा था डेविड सी वी मस्ट नॉट फॉरगेट योर एजुकेशन एक इवनिंग आंट बेटसी ने कहा कि डेविड हमें तुम्हारा एजुकेशन भी नहीं भूलना चाहिए आफ्टर अ अ पॉज मी विल यू यू बी हैप्पी इफ आई टू स्कूल इन कैंट्राबरी थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने मुझसे पूछा यानी आंट बेटसी ने मुझसे पूछा आंट बेटसी ने कहा कि क्या तुमको अच्छा लगेगा यदि मैं तुमको कैंट्रबरी के स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दू तो कैंट्रबरी इज अ सिटी इन इंग्लैंड आई रिप्लाइड यस आई सर्टेनली वुड एंड इट इज़ सो नियर टू योर होम मैंने जवाब दिया कि हाँ अवश्य मुझे अच्छा लगेगा और स्कूल आपके घर से पास ही है सो इट वॉज डिसाइड दैट टू डेज लेटर वी वुड गो टू कैंटाबरी इसलिए यह डिसाइड किया गया कि दो दिन बाद हम कैंटाबरी जाएंगे एज वी लेफ्ट माई आंट इन्फॉर्म मी दैट वी वुड फर्स्ट विजिट मिस्टर विकफ फील्ड एंड ओल्ड फ्रेंड ऑफ हर्स जब हम वहाँ के लिए निकल पड़े तो मेरी आंट ने मुझे बताया कि सबसे पहले हम मिस्टर विकफील्ड के पास जाएंगे जो कि उनके एक पुराने दोस्त थे ही वॉज द लॉयर एंड स्टीवर्ड ऑफ द स्टेट ऑफ अ रिच एंड एफ्लुएंट जेंटलमैन ऑफ द कंट्री स्टीवर्ड मीन्स होता है ए पर्सन इम्प्लॉयड टू मैनेज अनदर पर्सन प्रॉपर्टी किसी दूसरे किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को मैनेज करने वाला व्यक्ति ठीक है और वो एक लॉयर भी थे वेन वी रिचड मिस्टर विकफील्ड्स ऑफिस वीवर वेलकम्ड बाई अ मैन कॉल्ड उड़िया हिफ जब हम मिस्टर विकफील्ड के ऑफिस पहुंचे तो वहाँ पर एक उड़िया हिफ नाम का व्यक्ति था जिसने हमारा स्वागत किया ही गाइडेड अस टू द रूम वेयर मिस्टर विकफील्ड वॉज प्रेजेंट और वो हमें मिस्टर विकफील्ड के रूम तक ले गया वेल मिस ट्रॉटवुड व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर मिस्टर विकफील्ड इंक्वायर मिस्टर विकफील्ड ने कहा मेरी आंट को की मिस ट्रॉटवुड आप बताइए कि आपका यहाँ आना कैसे हुआ माई आंट रिप्लाइड आई विश यू टू ड्रॉ अप एंड अडोप्शन पीपर्स फॉर माई नेफ्यू डेविड हेयर तो मेरी आंट ने कहा कि ये मेरा नेफ्यू यानी भतीजा डेविड है मैं चाहती हूँ कि आप इसके लिए एक एडॉप्शन यानी गोद लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम अडोप्शन बोलते हैं तो उसके पेपर कागजात तैयार करने को वो कहती है इनफैक्ट ही इज माय ग्रैंड नेफ्यू आई ऑल्सो वांट एडवाइस ऑन स्कूल इन कैंटरबरी एंड ट्रीटेड वेल मैं यह भी चाहती हूँ कि आप मुझे एडवाइस करें कि कैंटावे का कौन सा स्कूल है जहां पर डेविड को अच्छे से पढ़ाया जा सकता है और इसके साथ अच्छा व्यवहार भी होगा मिस्टर विकफिल थॉट फॉर अ मोमेंट एंड सेड मिस्टर विकफिल थोड़ी देर तक सोचते हैं और फिर कहते हैं द बेस्ट स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव एनी रूम फॉर बॉर्डर्स बॉर्डर्स का मतलब होता है चिल्ड्रेन हु लीव एट स्कूल एंड गो होम फॉर दी हॉलीडेज यानी यू नो हॉस्टल में रहना और फिर हॉलीडेज में अपने घर पर जाना ठीक है दैट इज कॉल्ड बॉर्डर्स तो वो कहते हैं मिस्टर विकफील्ड कहते हैं कि अभी इस समय तो जो डिस्ट्रिक्ट के जो बेस्ट स्कूल्स हैं उनमें कहीं भी कोई कमरा खाली नहीं है बट इफ़ यू विश लेकिन यदि आप चाहती हैं यू मे लीव हिम विद मी टिल फर्दर अरेंजमेंट्स आर मेड तो आप डेविड को मेरे यहाँ छोड़ सकती हैं जब तक कि आगे के अरेंजमेंट्स नहीं कर दिए जाते My आंट replied ग्रेटफुली आई एम obliged, एंड so is डेविड मेरी आंट ने थैंकफुली कहा कि मैं इसके लिए मैं और डेविड इसके लिए आपका आभारी रहेंगे मिस्टर विकफील्ड कॉल्ड फॉर हिज हाउस कीपर हु टर्न आउट टू बी अ लिटिल गर्ल ऑफ माई एज उसके बाद मिस्टर विकफील्ड जो होते हैं वो अपनी हाउस कीपर यानी जो की एक छोटी सी लड़की होती है लगभग डेविड की एज उम्र की उसको बुलाते हैं Agnes बताती है को कि जब उसका जन्म हुआ था तो उसी समय उसने अपनी माँ को खो दिया था अग्निज कंसिडर्ड इट हर ड्यूटी टू स्टे एट होम एंड कीप हाउस फॉर हर फादर उसके बाद अग्निश जो होती है वो घर पे रहकर अपने पिताजी का ख्याल रखने को अपना ड्यूटी मानती है और इसलिए वो उनके साथ रहती है उन्होंने कहा की अब डेविड मेरी बात सुनो किसी भी चीज में मीन मत होना यानी मतलबी मत होना नेवर बी क्रोयल कभी भी निर्दयी नहीं होना हार्टलेस मत होना एंड नेवर बी फॉल्स कभी भी झूठे मत बनना अवॉइड दिज थ्री वाइसेस यानी इन तीन बुराई को अवॉइड करो इन तीन बुराइयों से बचो एंड आई कैन ऑलवेज बी होपफुल ऑफ यू और इस तरह से मैं हमेशा तुम्हारे लिए होपफुल रहूँगी

आफ्टर डिनर अग्निज प्लेड द पियानो एंड आई कुड सी हाउ डिवोटेड सी वॉज टू हर फादर उसके बाद अग्नि जो थी वो पियानो बजाती है और मैं ये देख सकता था कि वो अपने पिता के प्रति कितनी डिवोटेड थी द नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर विकफील्ड टुक मी टू माई न्यू स्कूल और अगली सुबह मिस्टर विकफील्ड मुझे नए स्कूल में ले जाते हैं ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू डॉक्टर स्ट्रोंग देड मास्टर ऑफ द स्कूल उन्होंने मेरा परिचय करवाया स्कूल के हेड मास्टर से जिनका नाम था डॉक्टर स्ट्रोंग द हेड बॉय एडम्स शोड मी राउंड एंड इंट्रोड्यूस्ड मी टू मास्टर्स हेड बॉय एडम्स उसने मुझे पूरा स्कूल घुमाया दिखाया और टीचर से भी मेरा परिचय करवाया आई वाज क्वाइट एट ईज बट वेरी कॉन्सियस ऑफ द डिफरेंट इन लर्निंग एंड एक्सपीरियंस बिटवीन दी अदर बॉयज एंड माई वो कहता है कि आई वॉज क्वाइट एट ईज ठीक है यानी मैं बिल्कुल रिलैक्स और कॉन्फिडेंट था लेकिन लर्निंग और एक्सपीरियंस में जो अंतर था मेरे और दूसरे बच्चों के बीच उसके बारे में मैं बहुत ही सचेत था यानी कॉन्शस था दैट इवनिंग मिस्टर विकफिल आस्ट मी अगेन इफ आई थॉट आई शुड लाइक टू स्टे ऑन विद देम उस शाम को मिस्टर विकफिल ने मेरे से दोबारा पूछा कि यदि मैं उनके घर पे रहना चाहता हूँ तो ठीक है आई टोल्ड हिम मतलब उन्होंने ये जानने की कोशिश की उससे कि क्या बेटे तुम्हारा मन यहाँ पे मेरे घर पे लग रहा है कि नहीं अगर नहीं तो वापस मैं तुम्हें आंट के पास ले चलता हूँ like तो कहता है कि मैंने मिस्टर विकफिल्ड से कहा कि मुझे उनका घर बहुत ही पसंद था और मुझे वहां मजा आ रहा था ऑन दी वे आउट टू स्कूल द फॉलोइंग मॉर्निंग आई एनकाउंटर्ड उड़िया हिप स्वीपिंग द स्टेप्स आउटसाइड साइड दी हाउस ठीक है फॉलोइंग मॉर्निंग जब मैं स्कूल के लिए निकल रहा था तो मैंने उरिया हिप को घर के बाहर आ, स्वीपिंग करते हुए देखा वो सीढ़ियों को साफ कर रहा था गुड मॉर्निंग मास्टर कोपरफील्ड और वो विश करता है आई ट्रस्ट यू विल हैव अ गुड डे एट स्कूल वो कहता है कि मुझे विश्वास है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा स्कूल में थैंक यू उरिया एंड आई होप यू विल हैव अ गुड डे विद योर स्टडीज इन लॉ उसके बाद वो भी थैंक्स कहता है उड़िया को और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आपका भी दिन आज बहुत ही अच्छा होगा आपकी स्टडी इन लॉ में आई सपोज यू आर क्वाइट अ लॉयर और मैं तो ऐसा मानता हूं कि आप एक लॉयर बन ही चुके हो मी मास्टर कॉपर फील्ड ओह नो आई एम अ वेरी अम्बल पर्सन अम्बल मीन शेयर वॉट हम्बल हम्बल यानी विनम्र विनम्र काइंड ऑफ पर्सन तो वो कहता है कि अच्छा मी मास्टर कॉपर फील्ड ठीक है उसको बहुत अच्छा लगता है आई एम वेल अवेयर दैट आई एम दी अम्बलेस्ट पर्सन गोइंग ठीक है और वो कहता है कि मुझे मैं इस बारे में बहुत ही वेल अवेयर हूँ कि आई एम दी अम्बलेस्ट पर्सन गोइंग लेट दी अदर्स बी वेयर ही मे और बाकी जो दूसरे हैं उनको वहीं पे रहने दो ठीक है लाइक वाइज माई मदर इज अ वेरी अम्बल पर्सन इसी तरह मेरी माँ भी बहुत अम्बल इंसान है वी लिव इन एन अम्बल अबोर्ड और हम एक अम्बल अबोर्ड यानी एक इसी तरह के अम्बल घर में भी रहते हैं मास्टर कॉपर फील्ड बट है मस्ट टू बी थैंकफुल फॉर ठीक है वो कहता है कि मास्टर कॉपर फील्ड लेकिन इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हैव यू बिन विद मिस्टर विकफील्ड लॉन्ग आई आस डेविड उससे पूछता है कि क्या आप मिस्टर विकफील्ड के साथ बहुत ही लंबे समय से हैं गोइंग ऑन फोर ईयर मास्टर कॉपर फील्ड वो बताता है उड़िया ही सिंस अ ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर ठीक है एक साल मेरे पिताजी के मरने के एक साल बाद से दैट डे आई रीज स्कूल क्वाइट अर्ली उस दिन मैं बहुत सवेरे स्कूल पहुंच गया इन अबाउट टू वीक्स आई वॉज वेरी कंटेंटेड देयर और लगभग दो सप्ताह में ही मैं बहुत ही कंटेंटेड यानी संतुष्ट हो गया था वहाँ आई in their games and quite backward in their studies, but practice would improve me in the first. Uh, I hoped and hard work in the second. वो कहता है कि मैं गेम्स में बिल्कुल भी पीछे था और स्टडीज में भी वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ वो कहता है कि प्रैक्टिस वुड इंप्रूव मी इन द फर्स्ट और वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ की हार्ड वर्क इन दुनेटली आई अप्रूव माई सेल्फ इन बोथ और बाद में वो कहता है कि फोर्चुनेटली मैंने दोनों में खुद को साबित किया इन गेम्स एंड स्टडीज बोथ एवरी थर्ड और फोर्थ वीक आई विजिटेड आंट बेटसी इन डबर हर तीसरे और चौथे वीक में मैं आंट बेटसी से मिलने डबर जाता था एंड ऑन अल्टरनेट वेडनेसडेज मिस्टर डिक वुड विजिट मी और जो अल्टरनेट वेडनेसडेज थे उस पर मिस्टर डिक मेरे से मिलने आते थे मिस्टर डिक बी फ्रेंडेड डॉक्टर स्ट्रोंग एंड ही बिकेम अ पॉपुलर फिगर एट स्कूल मिस्टर डिक ने डॉक्टर स्ट्रोंग जो कि हमारे स्कूल के जो कि मेरे स्कूल के हेड मास्टर थे उससे उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो जल्दी ही स्कूल में एक पॉपुलर फिगर बन गए थे लाइफ विकफील्ड डेविड कहता है कि Wickfield के घर पे बिल्कुल ही शांत और शांतिपूर्ण यानी पीसफुल थी टू माई ग्रेट कम्फर्ट to me than मोर ऑफ Betsy टू मी ever इमेजिन और वो कहता है कि मुझे इतना कम्फर्ट मिल रहा था वहां पर कि अग्नि जो थी वो मेरे लिए एक बहन से भी अधिक बन गई थी यहाँ तक कि आन बेटसी भी कभी ऐसी कल्पना नहीं कर सकती थी कि इतनी जल्दी अग्नि मेरी इतनी अच्छी सिस्टर बन जाएगी हेंस माई लाइफ एट कैंटाबरी वॉज अ हैप्पी एंड फ्रूटफुल वन और इस तरह से वो कहता है कि कैंटरबरी में मेरी लाइफ जो थी वो बहुत ही फ्रूटफुल यानी प्रोडक्टिव रही ठीक है तो स्टूडेंट्स दिस वॉज चैप्टर सेवन डेविड अ न्यू लाइफ पार्ट टू I hope you have got this chapter well. So, if you like the way of my teaching, then please like, subscribe, comment, and share my channel. Thanks.